जो रेगिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसता रहा, आज दुबई बनाने जा रहा है उस रेगिस्तान में बिजली। जी हां, चौंकिए मत, क्योंकि ये सच है। दुबई जल्द ही 95,000 करोड़ की लागत में उस रेगिस्तान में बिजली बनाने जा रहा है। जिस रेगिस्तान में हजारों सालों से पानी नहीं दिखा, तो ये कैसे संभव है कि सऊदी अरब हमेशा से अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, और ये कैसे संभव है जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वाकई दुबई रेगिस्तान में बिजली से करीब 13 लाख घरों को रोशन करेगा, जिससे एक बार फिर दुबई काफी चर्चा में बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि आखिर दुबई ने ऐसा क्या दिमाग लगाया है कि उन्होंने रेगिस्तान में बिजली पावर बनाने का जिम्मा उठा लिया। पूरी दुनिया में तेल की बात होते ही सबसे पहले सऊदी अरब का जिक्र आता है। सऊदी अरब अपनी तेल संपदा के लिए जाना जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अपनी खूबसूरती से लेकर अपने पृथ्वी तक के लिए मशहूर है सऊदी अरब। लेकिन सऊदी अरब ये जानता है कि आने वाले समय में उनका रुतबा बना रहे, इसलिए वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आने वाले समय में सऊदी अरब में हमेशा की तरह तेल पर्याप्त मात्रा में तो नहीं मिल सकता। इस वजह से वो हमेशा ही कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि दुबई में जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है, वो करने के लिए दुबई ने बहुत कुछ खोया भी है और कुछ पाया भी है, और अब एक बार फिर दुबई रेगिस्तान में बिजली बनाने का काम शुरू करने वाला है, जिसके लिए वो नए नए टेक्नोलॉजी इजाद कर रहा है। दरअसल दुबई के रेगिस्तान में यूएई के प्रधानमंत्री के नाम पर बन रहा मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम सोलर पार्क रोज नए आयाम स्थापित कर रहा है। 95,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सोलर पार्क अब पूरा होगा, तब ये 13 लाख घरों को रोशन करने की स्थिति में होगा। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की दिशा में भी ये अच्छा खासा कारगर होगा। पार्क की वजह से कार्बन का उत्सर्जन सालाना 65 लाख टन तक कम होगा, और इसके 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। मौजूदा वक्त में चीन का सोलर पार्क सबसे बड़ा है, इससे 1547 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। पार्क के निर्माण में बुर्ज खलीफा से 3 गुना ज्यादा समय लगेगा। 2012 से इस सोलर पार्क के निर्माण की घोषणा की गई थी। इसकी क्षमता 5000 मेगावाट तक की जानी है। इतनी क्षमता वाला यह सोलर पार्क अपने तरह की अनूठी योजना है। दुबई एनर्जी एंड वाटर अथॉरिटी का कहना है कि इसके बनने में बुर्ज खलीफा से 3 गुना ज्यादा समय लगेगा। सोलर पार्क का पहला और दूसरा फेज तैयार है। इनमें 23 लाख फोटोवोल्टिक का इस्तेमाल हुआ है। इनकी क्षमता कुल 213 मेगावाट है। फेज तीन को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसमें 30 लाख फोटोवोल्टिक लगेंगे। इसके पूरा होने के बाद 800 मेगावाट सौर ऊर्जा और बनाई जा सकेगी। चार फेज का काम पूरा होने के बाद ही प्लांट की क्षमता 1963 मेगावाट बिजली के उत्पादन की हो जाएगी। DEWA का कहना है कि अभी सोलर प्रोजेक्ट के 4 चरण पूरे करने की योजना है। इसका बेस तैयार है और ये विश्व का सबसे लंबा सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। इसमें बिजली बनाने के लिए शीशों का इस्तेमाल होगा। सूरज की ऊर्जा से मॉल्टन सॉल्ट गतिशील रहेंगे, जो गर्मी पैदा होगी उससे स्टीम टर्बाइन काम करेगी और उसके बाद बिजली बनाई जा सकेगी। इस प्लांट में एनर्जी का स्टोर बैटरी के बजाय हीट के तौर पर होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्टोर की तुलना में थर्मल एनर्जी स्टोर 10 गुना सस्ता होता है। सूरज की रोशनी ना होने पर प्लांट बिजली का उत्पादन कर सकेगा। हालांकि सऊदी अरब देश की ऊर्जा के लिए वो सोलर एनर्जी का काम भी शुरू हो चुका है। कहा जाता है कि सोलर एनर्जी के प्रयोग से प्रदूषण भी कम होगा और यूएई को एक साफ और स्वच्छ भारत का आवरण मिलेगा। हालांकि यूएई सोलर एनर्जी से बिजली प्राप्त करने के लिए 95,200 करोड़ की लागत से एक सोलर पार्क तैयार हो रहा है, जिससे दुबई सिर्फ अपनी ऊर्जा संबंधित चीजों को ढंग से विकसित कर पाएगा। आपको बता दें, ये सोलर पार्क यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के नाम पर बनाया जा रहा है। हालांकि इसका पहला फेज 22 अक्टूबर 2013 से काम कर रहा है और इस संयंत्र से 13 वाट बिजली पावर लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जिसमें 1 लाख पावर विट सेल और 13 ट्रांसफार्मर को जोड़कर एक इन्वर्टर तैयार किया गया है। हालांकि आपको इस बात से बेहद हैरानी होगी कि केवल पहले ही फेज से वहां के कार्बन में 15,000 तक की कमी आ गई है।
दरअसल 20 मार्च 2017 को मोहम्मद बिन राशिद ने प्रोजेक्ट के दूसरे फेज को लॉन्च किया था। हालांकि उनके लिए उनके क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। प्लांट रेगिस्तान में बन रहा है और रेत इसकी सबसे बड़ी समस्या बनने जा रही है। मॉड्यूल पर रेत जमने से प्लांट की क्षमता पर असर पड़ेगा, लेकिन ड्राई रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम के जरिए रेत को तुरंत साफ कर दिया जाएगा। पार्क की वजह से कार्बन का उत्सर्जन सालाना 65 लाख टन तक कम होगा। 2012 में पार्क की योजना पर काम शुरू हुआ था, 2030 तक पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही है। इतना ही नहीं, पार्क के निर्माण में बुर्ज खलीफा से 3 गुना ज्यादा समय लगेगा। कहा जा रहा है कि इस सोलर पार्क को बनाने के लिए खलीफा से 3 गुना ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि सोलर पावर देगी स्थान के उन हिस्सों में पिछड़ जाएंगे जो अभी बंजर अवस्था में। हालांकि इन सभी पर काम चल रहा है। हालांकि अभी चीन में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क 4 फेज का काम पूरा होने के बाद प्लांट की क्षमता 1963 मेगावाट बिजली के उत्पादन की हो जाएगी। मोहम्मद राशिद अल मक्तूम सोलर पार्क 2030 तक 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। लद्दाख का सोलर पार्क 3000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। ये 2023 तक काम करने लगेगा। वर्तमान में चीन के निंगशिया में स्थित टैंगर डेजर्ट सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पार्क है। इससे 1547 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। ये तो रही दुबई की बातें, जहां पर ये बेहद आम बात है कि वहां की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेकिन भारत में क्या कहीं पर ऐसा शहर है या राज्य है जहां पर सोलर पावर हो? तो बिल्कुल है। ऐसे में हम आपको बता दें, सोलर पावर पार्कों की लिस्ट में पहले नंबर पर है भारत का भादलिया इंडस्ट्री सोलर पार्क, जो राजस्थान में बन रहा है। इस सोलर पार्क की बिजली उत्पादन क्षमता होगी 2225 मेगावाट। दूसरे नंबर पर भारत का पावागाड़ा सोलर पार्क, जो कर्नाटका में बन रहा है। इस सोलर पावर प्रोजेक्ट की बिजली उत्पादन क्षमता है 2 गीगावाट, यानी 2000 मेगावाट। और पांचवें नंबर पर भारत का जो सोलर प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश में बन रहा है। इसका नाम है अंथापुरमु 1 सोलर पार्क और ये 1500 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। सातवें नंबर पर भारत के सोलर पावर प्रोजेक्ट कई कब्जा है। आंध्र प्रदेश में बन रहे सोलर पावर प्रोजेक्ट की उत्पादन क्षमता होगी 1000 मेगावाट और इसका नाम है काडप्पा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। नवे नंबर पर है भारत का रिवा सोलर पार्क और इसकी उत्पादन क्षमता होगी 750 मेगावाट। हालांकि इनमें हमने आपको टॉप 14 देशों के नाम बताए, जिनमें से अधिकतर नंबर पर भारत के कई राज्यों का नाम शामिल है। और इस रिपोर्ट में ये भी अनुमान लगाया गया है कि सोलर पावर समेत तमाम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के कारण साल 2027 तक भारत में थर्मल पावर प्रोडक्शन की क्षमता सिर्फ 43% रह जाएगी, जो कि इस समय 66% है। इन रिपोर्ट को जानकर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में देश में बिजली की कमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी शहरी गांवों में भी पर्याप्त बिजली मिलेगी। वैसे दुबई में रेगिस्तान में बन रहे सोलर पावर से लोग थोड़े हैरान तो जरूर है, लेकिन दुबई हमेशा ही अपनी नई नई टेक्नोलॉजी से लोगों को हैरान करता आया है। तो दोस्तों, रेगिस्तान में बन रहे इस सोलर पावर पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे साथ अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय।